हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं IDFC फर्स्ट बैंक की, जिसका आज ही रिजल्ट आया है, जिसका हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। तो चलो देखते हैं कि रिजल्ट में क्या है। IDFC फर्स्ट बैंक Q2 रिजल्ट्स, नेट प्रॉफिट अप नियरली 50% एट ₹152 करोड़। बहुत बढ़िया, चलो देखते हैं डिटेल में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे इनका जो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट है वो हुआ है 151.74 करोड़ इस क्वार्टर के लिए, जो कि लास्ट क्वार्टर में था, अपना लास्ट ईयर के क्वार्टर में था 101.41 करोड़। ठीक है, अब देखते हैं इसका जो टोटल इनकम है, ये इस क्वार्टर में हुआ आया है 4,880 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर के में आया था 4,090 का। ये भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे भी हमें राइज मिल रही है। ठीक है, अब देखते हैं इसके जो इंटरेस्ट इनकम है वो भी यहाँ पे हुए हैं 4,100 करोड़, अप कंपेयर टू 3,924 करोड़ से। ये भी अच्छी न्यूज है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि नेट एनपीए अगर हम देखें तो वो भी बढ़े हैं 2.09% से कंपेयर टू 0.43%। चलो ये भी अच्छा है। और आगे अगर हम कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर देखें तो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ा है 110 करोड़ से, स्लाइटली अप फ्रॉम 109.03 करोड़। चलो बढ़ा ही है, कुछ कम नहीं हुआ है। और टोटल जो इनकम है वो भी बढ़ा है 4,830 करोड़ से कंपेयर टू 4,090 करोड़। ओवरऑल अच्छा रिजल्ट है। अब देखते हैं ये जो अच्छा रिजल्ट है ये हमें चार्ट में क्या दिखाता है, कहाँ तक टारगेट देगा और कहाँ तक ये इसकी रैली कंटिन्यू होगी। अभी अगर हम चार्ट में देखें तो ये देखिए, यहाँ पे डेली चार्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमेशा एक रेजिस्टेंस बना रहता था, जो था 51.73 का। जब भी यहाँ पे स्टॉक आता था यहाँ से ही इसको गिरावट ही मिलती थी, लेकिन यहाँ पे हमने इसको ब्रेक किया है, यहाँ पे एक दिन के लिए सस्टेन भी किया था। ठीक है, तो ये हुआ है डबल टॉप का ब्रेकआउट। अब हम वीकली चार्ट पे देखें तो यहाँ ये जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई है ये काम कर रही थी रेजिस्टेंस का। तो जब भी ये स्टॉक ऊपर जाता, इस ट्रेंड लाइन को टच करता, वहां से हमको दिखाई देता था एक फॉल। फिर से ये ट्रेंड लाइन को टच करता था, फिर से नीचे आ गया। फिर से इसने ट्रेंड लाइन को टच किया, फिर से नीचे आ गया। ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, अब यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ से इसने ट्रेंड लाइन का भी एक ब्रेकआउट दिया है। तो ये डबल टॉप का भी ब्रेकआउट हुआ है, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ है, तो हमें मिले हैं दो ब्रेकआउट। और कोई भी स्टॉक जब ब्रेकआउट देता है तो वो सीधा ऊपर नहीं जाता है, वो क्या करता है, जब ब्रेकआउट देता है तो उसके बाद वो ना जो सपोर्ट है अपना एक बार रिट्रेस करता है। और सेम यहाँ पे हुआ, ये देखिए, ये जो हमने एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट बनाया है ये ऊपर से नीचे आया, यहाँ पे रीटेस्ट किया और उसका क्लोजिंग हुआ फिर से 49.50 पे। ठीक है, अब देखते हैं आगे ये कहाँ जाता है। अब हमने अपना सपोर्ट तो चेक कर लिया जो कि 49 का है, बहुत बढ़िया सपोर्ट है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे वो रुका है ना कि इसको तोड़ के नीचे गया है। अब अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो सबसे पहले अपना टारगेट रहेगा 54 का, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है, तो सबसे पहले इसको ये 54 का रेजिस्टेंस तोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर सस्टेन करता है तो उसके बाद नेक्स्ट टारगेट अपना रहेगा 61 का, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। और ये भी अगर रेजिस्टेंस टूट गया तो अपना नेक्स्ट थर्ड टारगेट है 69 का, जो कि यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो चलो ये हो गया है अपने सपोर्ट 49 और टारगेट 54, 61 एंड 69। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, चार्ट एनालिसिस और रिजल्ट इम्पैक्ट इसमें पॉजिटिविटी ही लाएगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।